हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो गूगल शीट को लेकर के बना रहा हूँ। और गूगल शीट में खास क्या है, नया क्या है, आइए आपको बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ सिटीज का नाम मैंने इनपुट कर रखा है। अब इसमें देवरिया, गोरखपुर, लखनऊ, भटनी, बस्ती है। तो ये जानकर काफी खुशी होती है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया ही नहीं बल्कि अन्य कंट्रीज में भी लोग हैं जो काफी वीडियोज को पसंद करते हैं। तो वीडियो देखते रहिए, सपोर्ट देते रहिए और नॉलेज लेते रहिए। चलिए समझते हैं इस वीडियो में है क्या। तो यहाँ पर नेम ऑफ सिटीज मैंने लिखा है। अब ये जो रेंज है ना, हम चाहते हैं इसी रेंज का डेटा वैलिडेशन बने, और इसमें अगर हम कोई दूसरा नाम इनपुट कराएं तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाए। ओके, कोई भी दूसरा नाम इनपुट कराने पर वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाए, ऐसा हम चाहते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये रेंज सेलेक्ट करनी है। इसी रेंज में हमें डेटा वैलिडेशन बनाना है। तो ये रेंज हमने कर लिया सेलेक्ट। अब हमें जाना है डेटा वैलिडेशन पर, यानी डेटा टैब पे जाना है और यहां पर सेलेक्ट करना है डेटा वैलिडेशन। सेलेक्ट कर लिया, यहां पे देखिए लिस्ट ऑफ आइटम्स दिया हुआ है, नंबर्स दिया हुआ है, टेक्स्ट दिया हुआ है, कस्टम फॉर्मूला दिया हुआ है, चेक बॉक्सेस दिया हुआ है। तो यहां पे हमें लिस्ट फ्रॉम अ रेंज को सेलेक्ट करना है और यहां पर क्लिक करना है, ठीक इसके बगल में राइट साइड में क्लिक करना है और ये रेंज सिलेक्शन में ले लेनी है। तो ये रेंज हमने ले लिया सिलेक्शन में और अब ओके कर दीजिए। जैसे ही ओके करेंगे तो यहां पर आपको शो होगा रिजेक्ट इनपुट। हम नहीं चाहते कि इसके अलावा कोई दूसरा नाम लिख सके जो कि इस रेंज में दिया गया है। और जैसे ही वो लिखे तो रिजेक्ट इनपुट हो जाए, मतलब जो भी लिखे वो अपने आप रिजेक्ट हो जाए। तो इसके लिए इसको रिजेक्ट इनपुट पे टिक करके और सेव पे क्लिक कर दीजिए, बस काम हो गया है। यहां से आप देखेंगे तो वही वही नाम आप सेलेक्ट कर पाएंगे जो कि इस रेंज में दी गई है, वही वही नाम यहां पर आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहां पर नाम चेंज करेंगे तो क्या होगा, जैसे लाइक यहां पर मैं करता हूं मुंबई, ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने मुंबई और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये इस तरह का मैसेज आपको शो हो जाएगा। ओके, आई होप की बात समझ में आई होगी। अब मान लीजिए रेंज यही है और नाम हम चेंज कर रहे हैं, लाइक यहां पर मैं चेंज कर रहा हूं, जैसे ये बस्ती लिखा हुआ है तो इसको मैं हटा देता हूं और यहां पे लिख देता हूं दिल्ली, ठीक है, तो यहां पे मैंने लिख दिया दिल्ली। अब एंटर प्रेस करते हैं, अब देखिए इसमें दिल्ली जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहां पे देखिए ये दिल्ली आ गया और वो जो लिखा था हमने बस्ती वो नाम हट गया है। यहां पर जो रेंज में देंगे वही नाम आप सेलेक्ट कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए अब ये लखनऊ है तो इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, इसके जगह कुछ और लिख देता हूं, लाइक मैं लिख देता हूं सपोज कीजिए आगरा, तो ये लिख दिया मैंने AGARA आगरा, ठीक है, और एंटर प्रेस किया तो अब यहां पर आगरा नाम आएगा। देखिएगा तो यहां पर आपको इसमें आगरा शो होगा, देखिए आगरा शो हो रहा है, क्लिक किया तो आ भी गया। तो ये आपको फायदा है, ठीक है। और यहां पे लखनऊ ऑलरेडी मैंने दिया था तो यहां पे ये रेड सिंबल आ गया है कि ये इनवैलिड है। यहां पे देखिए दिया हुआ इनपुट मस्ट ऑल विद इन स्पेसिफाइड रेंज, तो यहां से इसको आपको हटाना होगा, ठीक है, ये आपको नहीं आएगा फिर, ठीक है, तो ये अब इनवैलिड हट जाएगा। अब यहां पर क्लिक करेंगे तो अब ये इनवैलिड नहीं दिखाएगा, तो ये फायदा है। ओके, आई होप की बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।